गाइस, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें अपने फ़ोन में भी एक रिसाइकल बिन क्रिएट करना चाहिए। जैसा कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो हमारी रिसाइकल बिन में जाती है। एक्चुअली में जब रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल आ जाए और बाई चांस हमें बाद में याद आता है कि हम उस चीज़ को डिलीट कर चुके हैं, तो हम रिसाइकल बिन में से उस चीज़ को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो चलिए, आज यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए माई टेक सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो प्ले स्टोर में जाकर वहाँ आप सर्च कर लीजिए डम्पस्टर। तो यहाँ डम्पस्टर के नाम से एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे फ्री वाला एप्लीकेशन मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में से मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्रीमियम वर्ज़न वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा फ़िलहाल डाउनलोड करा हुआ है, तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिसाइकल बिन हमारा फ़ोन में क्रिएट हो जाएगा और कोई भी चीज़ हम डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जाएगी। तो फिलहाल ये पहले से मैंने कुछ डिलीट किया था, इसे फिर दोबारा से यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं आपको कुछ फ़ाइल डिलीट करके दिखाता हूँ जो कि डम्पस्टर के नाम से जो रिसाइकल बिन है इसी में आएगा, और उसके बाद हम उसे रिस्टोर कर लेंगे, दोबारा से ठीक कर लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो डिलीट करता हूँ। तो ये गैलरी में आ गया, और अब मैं यहाँ गैलरी में से कुछ फ़ोटो डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ और उसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये फ़ोटो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारे डम्पस्टर में वो फ़ोटो आया या नहीं। तो ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अब देख लेते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुका है। फिलहाल ये फ़ोटो रिसाइकल बिन में पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ से इसको फिर दोबारा से रिस्टोर करूँगा, और देखिए यहाँ पे अभी वो फ़ोटो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उसे डिलीट कर चुका हूँ। तो मैं अब यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो ये अब मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर करने के लिए, आप इस पर क्लिक करें और ये वापसी अब उसी जगह पहुँच जाएगा जहाँ से मैंने पहले इसको डिलीट किया था। अब ये तो फ़ोटो की बात थी। अगर हम कोई भी फाइल, जैसे वीडियो सॉन्ग हो गया, MP3 सॉन्ग हो गया, PDF हो गया, कुछ भी अगर हम काटें, वो सब कुछ इसी में ही जाएगा। उसके बाद हम उसको वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि कभी हम जल्दी में तो कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में याद आता है कि वो चीज़ तो काम की थी, तो उसे फिर दोबारा से रिस्टोर करने में हमें आसानी हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं अब यहाँ से एक MP3 सॉन्ग्स डिलीट करता हूँ, वीडियो सॉन्ग डिलीट करता हूँ, PDF और एक एप्लीकेशन। तो इन सबको मैं यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ, और अब देख लेते हैं चल के कि ये चीज़ें सारी डम्पस्टर में पहुँची हैं या नहीं। अगर वहाँ पहुँची हैं तो हम उन्हें कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए देख लेते हैं डम्पस्टर में। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, जो ऊपर फोल्डर आ रहा है इसी में ये चारों चीज़ें हैं। चलो इस पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिलीट करा था मैंने और क्या क्या आया है या नहीं आया। तो यहाँ देखिए आप, सभी कुछ आ चुका है। मैंने यहाँ एक MP3 सॉन्ग्स किया था, वीडियो सॉन्ग्स किया था, PDF फाइल थी, और क्या था, एक एप्लीकेशन थी। तो वो चारों चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। चलिए अब मैं यहाँ से चारों पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ से जो आपको रिस्टोर लिख के आ रहा है तो वहीं पर आप क्लिक करके इनको रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इनको रिस्टोर कर लिया है, और अब देख लेते हैं कि फाइल मैनेजर में जाके ये सारी चीज़ें दोबारा वापस उसमें वहाँ पे गई हैं या नहीं गई हैं। तो देख लेते हैं रिस्टोर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, ये चारों चीज़ें रिस्टोर हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप
अपनी कोई भी डिलीट हुई फ़ाइल को वापस कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको इसी तरह की वीडियोस देता रहूँगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को, ताकि आगे भी आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहे।